दोस्तों मैशी रसोई में आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार ये ज़बरदस्त नाश्ता। इसके लिए फ्रेंड्स आपको किसी भी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तवे पर आप इसे बना सकते हैं। यानी कि खाने में टेस्टी है, बनाने में आसान है और समय भी आपको बहुत ही कम लगेगा। और स्पेशल बात है, हम इसे दिवाली की बची हुई खीर के साथ बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की है, झटपट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, खीर से ये बहुत ही जबरदस्त नाश्ता बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल भर के खीर ले लिए है, जिसे बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया है। इसमें कई बार बहुत सारे तिनके वगैरह होते हैं, घास होती है, उन सबको उठा दिया है। उसके बाद गैस ऑन करी, उसके ऊपर कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में हम ये खीर डाल देंगे। और इसके लिए आपको कोई चिकनाई वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बस कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लें, खीर को डाल दें और 2 से 2.5 मिनट तक एकदम हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए बढ़िया सा भून लें, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। जैसे नॉर्मली फ्रेंड्स मखाने होते हैं या मुरमुरे होते हैं, जब उसे हम ड्राई रोस्ट करते हैं वो क्रिस्पी हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी क्रिस्पी हो जाएगी। और 2 से 2.5 मिनट हुआ, हमारी जो खीर थी अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे करीब 1.5 से 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं, लेकिन बीच में आपको जरूर हिलाना होगा वरना खीर है बहुत जल्दी से जल जाती है। उसके बाद ले लिया मिक्सी का जार, क्योंकि हमने बनाना है इसका पाउडर। और ये लीजिए, एकदम सेकेंडों में इसका पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो अब डाल देते हैं इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, और नमक के साथ ही कुछ बेसिक से मसाले, 1/2 टीस्पून जितना जीरा डाला, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, 1 शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को आपको एकदम बारीक बारीक कट करना है। फ्रेंड्स अगर प्याज खाते हैं तो इसमें ज़रूर डालिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करती है। एक बड़े साइज का प्याज था, बारीक कट कर लिया। और ये लिया हरा धनिया, और ये जो चीज़ें हैं इनको एक बार हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अब हम इसमें डालेंगे 1 कप जितनी सूजी, नॉर्मल सूजी है, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा बारीक है। और इसे तो आप मोटी बारीक कैसी भी सूजी के साथ बना सकते हैं। और जितनी सूजी लिया है बिल्कुल उतना ही नाप कर मैंने दही डाल दिया, और उतना ही हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स पानी। फ्रेंड्स ये जो नाश्ता बनता है बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। सबको बढ़िया सा मिक्स कर लिया, अभी काफ़ी ड्राई सा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और डाल दिया। और अब आ रही है फ्रेंड्स इसे रेस्ट पे रखने की, तो बस अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। और सिर्फ 10 मिनट में ही फ्रेंड्स आप देखेंगे सूजी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है, और आप देख सकते हैं हमारा जो मिश्रण था पहले से थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। लेकिन इसे एकदम चटपटा सा नाश्ता बनाने से पहले आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे इनो, और आप पूरे मिश्रण में एक साथ अगर इनो डाल देते हैं तो आपको जो नाश्ता बनेगा उतना ज़्यादा फूला फूला नहीं बनेगा। तो बस छोटा सा प्रोसेस है, 2 भाग में कर लें, आधा पाउच जितना इनो हमने इसमें डाल दिया है और आधा पाउच हम बाकी के बैच में यूज करेंगे। थोड़ा सा पानी डाला और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप देख सकते हैं मिश्रण बहुत ज़्यादा गीला सा नहीं है, ऐसा ही आपको मिश्रण रखना है। उसके बाद गैस ऑन करी, उसके ऊपर तवा रखा और तवे को कर लिया मीडियम गरम। और जैसे ही तवा मीडियम गरम हुआ उसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर अप्लाई कर देंगे। फ्रेंड्स अगर बटर है ना तो बटर ही डालिए, वरना अगर नहीं है तो थोड़ा सा देसी घी डाल सकते हैं। उस पर थोड़ा सा राई डाल दिया, उसके साथ ही बारीक कट करके थोड़े से करी पत्ते डाल दिए। और उसके बाद मैंने लिए हैं थोड़े से प्याज, थोड़े से टमाटर जिसे एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है, और उसे तवे पर हम डायरेक्ट गर्म कर लेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बनाया कि इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको किसी भी कढ़ाई की या कुकर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तवे पे बनाएंगे। थोड़ा सा नमक डाल दिया, इसमें एक हम बहुत ही स्पेशल मसाला डालेंगे जिससे ये बहुत ही टेस्टी बनेगा, और वो है फ्रेंड्स गन पाउडर। और ये गन पाउडर डालने से आपकी जो स्पॉट इडली बनेगी ना, गजब की टेस्टी बनेगी। आज फ्रेंड्स हम बनाने वाले हैं हैदराबाद की स्पेशल स्पॉट इडली, लेकिन आज हम उसे खील के साथ ट्राई कर रहे हैं, और साथ ही ये थोड़ा सा बटर डाल दिया। अगर फ्रेंड्स बटर है और आप डाइट कॉन्शियस नहीं है तो आप इसमें बटर ज़रूर डालें, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट करता है। हल्का हल्का सा हमने जो प्याज और टमाटर डाला है इसे सौते कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको भूनना नहीं है, बस ये अच्छा सा गर्म हुआ। और हम इसे 4 इसी तरीके से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, आपको तवे पर ही सारे काम कर लेने हैं। और जो हमने बैटर बनाकर तैयार किया था वो इस तरीके से
हम चारों पे डाल देंगे, जिससे कि हमारे ये जो प्याज टमाटर हैं हल्के से कवर से हो जाएंगे। तो बस इसके बाद में हम इसे करीब 2 से 2.5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे, और 2-2.5 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये हल्के हल्के से पक चुके हैं और ये बिल्कुल आपस में जॉइंट हो गए थे, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा अलग अलग कर दिया है। तो बस थोड़ा सा अलग अलग सा और कर देते हैं, वरना आपस में ही चिपक जाएंगे और हमें बाद में अलग करने पड़ेंगे। तो अब आप देख सकते हैं 2 से 2.5 मिनट में हमारा जो नाश्ता था हल्का सा पक चुका है, ऊपर से थोड़ा सा ड्राई हो गया है। तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऊपर से डाल देते हैं, जिससे और भी बढ़िया और मज़ेदार टेस्ट करेगा। और अब आ रही है फ्रेंड्स इसे टर्न करने की। ये बहुत ही डेलिकेट सा होता है, हो सकता है जब आप इसे टर्न करें ये टूट जाए, कोई इशू नहीं है, कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। तो बस इस तरीके से हम टर्न कर लेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही मज़ेदार होता है, अगर आपने इसे एक बार ट्राई किया ना तो हर दिवाली जब खील बचेगी ना आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, देखने से ही बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। तो बस इसे करीब 2 मिनट तक और पकने देते हैं। ओवरऑल आपको करीब 4 मिनट का समय से एक बैच को पकाने में लग जाएगा। तो मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ कि दूसरी तरफ भी क्या शानदार कलर आया। लीजिए दोनों तरफ से बढ़िया पककर तैयार है, प्लेटिंग कर लेते हैं। सर्व करने के लिए फ्रेंड्स मैंने तो रखा है कचूमर और हरे धनिया की चटनी, आप टमाटो केचप रख सकते हैं, और आप चाहें तो इमली की खट्टी मीठी चटनी रख सकते हैं, और थोड़ी सी बटरिंग ऊपर से कर दी। जब बटरिंग हो जाती है ना तो हर चीज़ का टेस्ट बढ़ जाता है। और ये बस थोड़े थोड़े से बटर अप्लाई कर दिया, अभी नाश्ता काफ़ी गर्म है और बटर बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं देखने में शानदार है, खाने में टेस्टी है, और बनाने में भी ना तो आपको ज़्यादा समय लगना है ना ज़्यादा सामान लगने हैं। तो उम्मीद है दोस्तों रेसिपी तो अच्छी लगी होगी, इसलिए करना क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए।